मैकेनिकल गुरु चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन पाने के लिए। हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इंटरनल कम्बशन इंजन के एक बहुत मेन पार्ट यानी कि सिलेंडर के बारे में बात करेंगे। इंटरनल कम्बशन इंजन में सिलेंडर क्या होता है, सिलेंडर से रिलेटेड हर डिटेल मैं आपको इस वीडियो में बताने की कोशिश करूंगा। सिलेंडर लाइनर्स के बारे में, सिलेंडर टॉप्स के बारे में, सिलेंडर के बारे में हर डिटेल मैं आपको इस वीडियो में बताने की कोशिश करूंगा। तो लास्ट तक बने रहिए मेरे साथ। आप देख रहे हैं मैकेनिकल गुरु, मैं हूं अंकित। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं आपको इंटरनल कम्बशन इंजन के बारे में बेसिक्स बता देता हूं। मेरे पास इंटरनल कम्बशन इंजन के बेसिक्स से रिलेटेड बहुत से कमेंट्स आते हैं, उन सब कमेंट्स का आंसर हो जाएगा। इंटरनल कम्बशन इंजन जैसे नाम से समझ में आ रहा है, इसमें जो फ्यूल का कम्बशन होता है वह इंजन सिलेंडर के अंदर होता है। ऐसी इंजन में मेनली पेट्रोल और डीजल एस फ्यूल यूज किया जाता है। पेट्रोल इंजन जिन्हें हम स्पार्क इग्निशन इंजन भी कहते हैं, SI इंजन भी कहते हैं, इनमें फ्यूल और एयर को मिक्स किया जाता है कार्ब्यूरेटर में और फिर उसे इंजन में भेजा जाता है, जहां पर स्पार्क प्लग के द्वारा स्पार्क दिया जाता है जिसके कारण इग्निशन होता है, फ्यूल बर्न होता है और हमें पावर मिलती है। और डीजल इंजन में जिन्हें हम कंप्रेशन इग्निशन इंजन या CI इंजन भी कहते हैं, इसमें सक्शन स्ट्रोक के समय सिर्फ एयर को भेजा जाता है इंजन सिलेंडर में, उसके बाद इस एयर को कंप्रेस किया जाता है जिसके कारण इसका टेम्परेचर, एयर का टेम्परेचर सिलेंडर के अंदर रेज होता है। 600 से 1000 डिग्री सेंटीग्रेड तक एयर का टेम्परेचर पहुंच जाता है कंप्रेशन स्ट्रोक के बाद, और उसके बाद इसमें डीजल फ्यूल इंजेक्ट किया जाता है। डीजल इंजन में जब कंप्रेशन स्ट्रोक खत्म होने वाला रहता है तब डीजल को इंजेक्ट किया जाता है, डीजल को स्प्रे किया जाता है इंजन सिलेंडर के अंदर, और क्योंकि एयर का टेम्परेचर बहुत ज्यादा रहता है इसलिए डीजल इग्नाइट हो जाता है और हमको आउटपुट में पावर मिलती है हमारे इंजन से। इसलिए इस इंजन को हम कंप्रेशन इग्निशन इंजन कहते हैं, डीजल इंजन को हम कंप्रेशन इग्निशन इंजन कहते हैं, पेट्रोल इंजन को हम स्पार्क इग्निशन इंजन कहते हैं। इंटरनल कंबशन इंजन का ऑपरेटिंग साइकिल या तो 2 स्ट्रोक में खत्म होता है या तो 4 स्ट्रोक में खत्म होता है। 2 स्ट्रोक इंजन में पिस्टन में 2 स्ट्रोक होते हैं और इन 2 स्ट्रोक की मदद से क्रैंकशाफ्ट में 360 डिग्री रोटेशन होता है, यानी इन 2 स्ट्रोक से ही क्रैंकशाफ्ट में पूरा एक रिवॉल्यूशन होता है 2 स्ट्रोक इंजन में। और 4 स्ट्रोक इंजन में 4 स्ट्रोक होते हैं, सक्शन स्ट्रोक, कंप्रेशन स्ट्रोक, एक्सपांशन स्ट्रोक और एग्जॉस्ट स्ट्रोक, यानी क्रैंकशाफ्ट का 2 बार रिवॉल्यूशन होता है, 2 बार कंप्लीट घूमता है आपका क्रैंक, तब जाके 4 स्ट्रोक इंजन का साइकिल कंप्लीट होता है। जबकि 2 स्ट्रोक इंजन में सिर्फ 2 स्ट्रोक में, यानी कि क्रैंक के 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन में ही साइकिल कंप्लीट हो जाता है, वहीं 4 स्ट्रोक इंजन में 4 स्ट्रोक में, यानी कि क्रैंक के 2 कंप्लीट रिवॉल्यूशन में 1 साइकिल कंप्लीट होता है। 2 स्ट्रोक इंजन आज की डेट में इंडिया में आपको देखने को नहीं मिलेंगे। RX 100, बजाज चेतक, यामा की राजदूत, यह सब गाड़ियां 2 स्ट्रोक इंजन में आती थी। आज की डेट में बाइक्स हो या कार्स हो, हर जगह आपको 4 स्ट्रोक इंजन ही देखने को मिलेगा। अब हम इंटरनल कम्बशन इंजन के इंपॉर्टेंट पार्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं। इंटरनल कम्बशन इंजन के कई इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं, जैसे कि सिलेंडर, सिलेंडर लाइनर्स, पिस्टन, पिस्टन रिंग, पिस्टन पिन, कनेक्टिंग रॉड, क्रैंक, क्रैंकशाफ्ट, कैमशाफ्ट, इन सब पार्ट्स के बारे में एक एक करके डिटेल्ड वीडियो आएगी। आज के वीडियो में हम सिलेंडर के बारे में पूरे डिटेल के साथ जानेंगे कि एक इंटरनल कम्बशन इंजन में सिलेंडर का क्या काम होता है, सिलेंडर लाइनर्स क्या होते हैं। तो चलिए बात शुरू करते हैं। इंटरनल कम्बशन इंजन में सिलेंडर का फंक्शन होता है जो वर्किंग फ्लूइड है, जो फ्यूल है, उसको होल्ड करके रखना और पिस्टन को गाइड करना, जो पिस्टन सिलेंडर के अंदर स्लाइड होना है उसको गाइड करना। सिलेंडर्स मेनली कास्ट आयरन, कास्ट स्टील के बनाए जाते हैं। क्योंकि इंजन सिलेंडर के अंदर फ्यूल का कम्बशन हो रहा है, इंजन सिलेंडर का टेम्परेचर बहुत ज्यादा रहता है, इसलिए इंजन सिलेंडर्स में कूलिंग अरेंजमेंट प्रोवाइड कराना जरूरी रहता है। जो सिंगल सिलेंडर इंजन रहते हैं, जो मेनली स्कूटर्स और बाइक्स में लगे रहते हैं, उनमें एयर कूलिंग सिस्टम प्रोवाइड किया जाता है। सिलेंडर के आसपास फिन्स लगाई जाती है जिससे कि सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया बढ़ जाता है, यानी कि सिलेंडर का ज्यादा एरिया एयर के डायरेक्ट कांटेक्ट में रहता है जिससे कि इफेक्टिव तरीके से हीट ट्रांसफर होता है इंजन से सराउंडिंग में। और जनरली जो मल्टी सिलेंडर इंजन रहते हैं, जो कार में लगे रहते हैं, उनमें वाटर कूलिंग प्रोवाइड किया जाता है, सिलेंडर के अंदर वाटर जैकेट्स प्रोवाइड किए जाते हैं। वाटर जैकेट क्या होता है आप मेरे बगल में डायग्राम में देख सकते हैं। सिलेंडर के अंदर बीच में हॉलो कैविटी बनाई जाती है जिसमें वाटर के अंदर आने और बाहर जाने के लिए कनेक्शंस रहते हैं, जिसकी मदद से सिलेंडर
का टेम्परेचर को डिक्रीज किया जाता है। मेनली सिलेंडर के अंदर हॉलो ट्यूब्स बनाई जाती हैं जिनमें वाटर को फ्लो कराया जाता है, उसे हम वाटर जैकेट कहते हैं। जो छोटे इंजन रहते हैं उनमें सिलेंडर और वाटर जैकेट को एक सिंगल पीस में बनाया जाता है, लेकिन बड़े इंजन के लिए इन पार्ट्स को अलग अलग बनाया जाता है। बड़े इंजन में सिलेंडर लाइनर्स दिया जाता है। सिलेंडर लाइनर्स क्या होता है बता देता हूँ आपको। सिलेंडर लाइनर्स दिए जाते हैं इंजन ब्लॉक और पिस्टन के बीच में। इंजन ब्लॉक और पिस्टन के बीच में सिलेंडर लाइनर्स प्रोवाइड किए जाते हैं। सिलेंडर लाइनर्स का बेसिकली यूज इसलिए किया जाता है कि अगर कहीं सिलेंडर लाइनर खराब हो गया, क्योंकि पिस्टन को उसी के ऊपर स्लाइड करना है, उसमें वियर आ सकता है, तो हमें पूरा सिलेंडर ना बदलना पड़े, हम एक स्पेसिफिक सिलेंडर लाइनर को बदल सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। तो जब वियर होगा तो हमें ज्यादा कॉस्ट नहीं पड़ेगा, ज्यादा खर्चा नहीं बैठेगा, क्योंकि वहां पे सिलेंडर लाइनर्स का यूज किया गया है इंजन ब्लॉक और पिस्टन के बीच में। और कई लोग सिलेंडर लाइनर्स को सिलेंडर स्लीव्स भी कहते हैं। सिलेंडर लाइनर्स और सिलेंडर स्लीव दोनों एक ही होता है, दोनों का फंक्शन वही है जो मैंने अभी आपको बताया। सिलेंडर लाइनर्स भी बेसिकली दो टाइप्स के होते हैं, ड्राई लाइनर वेट लाइनर। जैसा कि मैंने आपको बताया, इंजन सिलेंडर में वाटर जैकेट दिए जाते हैं जिनमें वाटर फ्लो हो सकता है, तो ये वाटर जैकेट का पोजीशन आप कहीं भी कर सकते हैं। तो अगर वह सिलेंडर लाइनर इस वाटर जैकेट के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं है तो उस केस में इस सिलेंडर लाइनर को हम ड्राई लाइनर कहते हैं, और अगर सिलेंडर लाइनर डायरेक्ट कांटेक्ट में है वाटर जैकेट के तो उस केस में हम उस सिलेंडर लाइनर को वेट लाइनर कहते हैं। सिलेंडर लाइनर्स मेनली बहुत अच्छी क्वालिटी के क्लोज्ड ग्रीन कास्ट आयरन से बने रहते हैं, जिसको हम पेरिटेक्टिक कास्ट आयरन के नाम से भी जानते हैं, और निकल कास्ट आयरन, निकल क्रोमियम कास्ट आयरन का भी यूज किया जाता है सिलेंडर लाइनर बनाने के लिए। और इन सिलेंडर लाइनर्स की अंदर की सरफेस को, यानी कि वह सरफेस जिसके ऊपर पिस्टन को स्लाइड होना है, उस सरफेस को हीट ट्रीट किया जाता है ताकि वह सरफेस हार्ड हो जाए और सिलेंडर लाइनर्स में वियर कम हो। इंटरनल कंबशन इंजन के सिलेंडर को मेनली कवर किया जाता है ऊपर की तरफ से सिलेंडर हेड की मदद से। सिलेंडर हेड्स में ग्रूव्स रहते हैं एयर और फ्यूल के पैसेज के लिए, स्पार्क प्लग के लिए, एग्जॉस्ट गैसेस के लिए, और डीजल इंजन के केस में फ्यूल इंजेक्शन के लिए, और पेट्रोल इंजन के केस में स्पार्क प्लग के लिए ग्रूव्स बने रहते हैं सिलेंडर हेड में। सिलेंडर और सिलेंडर हेड को स्टड और बोल्ट्स की मदद से जोड़ा जाता है, अच्छे से टाइट फिट किया जाता है, और सिलेंडर और सिलेंडर हेड के बीच में एबेस्टॉस पैकिंग और मेटल गास्केट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, जिसकी मदद से यह जॉइंट लीक प्रूफ बन जाता है। तो दोस्तों, आज हम लोगों ने इंटरनल कंबशन इंजन के सिलेंडर, सिलेंडर लाइनर्स, वाटर जैकेट्स और भी बहुत सी अच्छी अच्छी बातें इंटरनल कंबशन इंजन के सिलेंडर के बारे में मैंने आपको बताई। आने वाले वीडियोस में हम पिस्टन के बारे में, पिस्टन पिन के बारे में, क्रैंकशाफ्ट, कैमशाफ्ट और भी बहुत से इंटरनल कंबशन इंजन के पार्ट्स के बारे में मैं आपको बताऊंगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो जरूर मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना, और अगर आपके पास कुछ क्वेरीज है तो नीचे कमेंट्स में जरूर पूछना, क्योंकि मैं आपके लिए रोज ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोज लेके आता रहता हूँ। जल्द ही मिलेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।